गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक जो ज्वलंत मुद्दा आम समाज में वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड जो एक मुद्दा बना हुआ है, तालिबान द्वारा सत्ता पर जो काबिज होना है अफगानिस्तान में, उसमें जो नई पीढ़ी के जो विचारक छात्र प्राध्यापक और लेखक सभी बड़े चिंतित हैं। उनकी माइंड पे मस्तिष्क पे एक चीज़ दौड़ रही है कि तालिबान एक आतंकी गुट है और उस द्वारा किसी देश की सत्ता पर कब्जा करना, वहाँ के नागरिकों को डंडे के बल से तो नहीं हाँका जाएगा, नागरिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर लिया जाएगा और जनता की जुबान दबा तो नहीं दी जाएगी। यानी विश्व समुदाय अफगानिस्तान की जनता के प्रति चिंतित ज़्यादा है, जो विचारक समझदार और शांतिप्रिय लोग हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान में कठपुतली सरकारें चलते बहुत लंबा दौर हो गया है, ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये तालिबान नया है। इससे पहले रूस की सेनाएं वहाँ थी, डॉक्टर नजीब वहाँ के राष्ट्रपति होते थे, रूस समर्थित और रूस की सेनाएं वहाँ थी, रूस की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है और तालिबान अमेरिका समर्थित धन और स्ट्रेटजी जो डिफेंस स्ट्रेटजी जो लोग समझते हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा मामलों की जानकार हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो महाशक्तियाँ हैं वो उन सत्ताओं पर अपने ढंग से पकड़ बनाती हैं अपने आर्थिक लाभों के लिए, अपने राजनीतिक लाभों के लिए। तो तालिबान उस समय यूएसए समर्थित, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा समर्थित ये आतंकी संगठन सैन्य समझ और सैन्य हथियारों से लैस और सैन्य डिफेंस टेक्नोलॉजी भी इसको यूएसए जैसी मिलिट्री ने दी, तो इसमें कोई दोराय नहीं कि ये बहुत ही ताकतवर आतंकी संगठन जरूर कहा जाएगा, परंतु कई छोटे राष्ट्रों से तो इस संगठन की सैन्य शक्ति भी ज़्यादा है देखा जाए तो। और अब जब हालात बने, अमेरिका ने कुछ या प्रत्येक से अप्रत्यक्ष कहें, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने भी अपनी शांति सेना के माध्यम से जो सरकार यहाँ बनवा रखी थी या गठित करवा रखी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा भी बताया गया था उसको, जब हालात बदले, जब पड़ोसी देशों का जो गुट है उसमें कोई दोहरा नहीं, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार या लेखक के रूप में बोल रहा हूँ, तो विश्व समुदाय को एड्रेस कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, आई एम एड्रेसिंग टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, कि ये कुछ नहीं, इन्होंने जब चारों राष्ट्रों ने इसी सरकार को, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, इन्होंने समर्थन दिया है ये बात तय, और यूएसओ का जो यहाँ से जाना था, यहाँ की अमेरिकी सेनाओं की जो वापसी थी वो भी इसी रणनीति का हिस्सा थी। नहीं, अभी तक अगर चीन और रूस अगर इस सरकार की गठन भूमिका से अगर दूर हों तो यूएनओ की शांति सेनाएं या आ धमकती, इसमें कोई दौरा नहीं है और तालिबान नाम की चीज़ बसती भी नहीं, नामों निशानी नहीं बसता। हमारे पास शांति सेना है यूनाइटेड नेशंस के पास, यूएनओ के पास, पर ये बात तय है कि चीन और रूस, हालांकि ईरान और पाकिस्तान तो खुलकर सामने हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, परंतु तो वो दोनों राष्ट्र में ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नगन अवस्था सामने खड़े हैं कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं ये वो, परंतु उन्होंने जैसे कहा कि हम दूतावास बंद नहीं करेंगे, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। तालिबान नाम की सरकार दो दिन भी वहाँ नहीं ठहर पाती। अब हमारे सामने नई बात आ रही है, भारत शांति का मॉडल है और वर्तमान सरकार ने भी कहा भी भाई जो वहाँ
गैर मुस्लिम भारत आ सकते हैं, परंतु मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसे विकसित देश कहते थे कि जो लोग टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, जो अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो हमारे यहाँ आए। यूरोप और अमेरिका ने नारा दिया था कि वर्ल्ड की एशियन अफ्रीकन कंट्री से कहीं भी धनी लोग आए, हम उनको शांति से रहने या अनुशासित यानी एक प्रकार से सिक्योर लाइफ देंगे, सुरक्षित जीवन देंगे। तो मैं आज ये हमारे राष्ट्र की तरफ से बोल रहा हूँ, विश्व समुदाय को और अफगानिस्तान के नागरिकों को, वो हमसे दूर नहीं है, हमारे भाई हैं, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले भी हमसे दूर नहीं हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं और शांत और समझदार स्वभाव के सभी नागरिकों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भारत में सरकारें बारी बारी से बदल सकती हैं, उनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है, परंतु भारतीय समाज जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग हैं, यदि एक समाजशास्त्री द्वारा रिसर्च की जाए तो मैं खुलकर कह देना चाहता हूँ, हमारे किसी भी संप्रदाय के लोग वास्तव में शांत स्वभाव और शांति प्रिय हैं। अलगाव और अलगाववादी बातें हमारे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं हैं, न यहाँ के मुसलमानों को पसंद है, न सिखों को पसंद है, बौद्धों को पसंद है, हिंदुओं को पसंद है। आप एक अल्पसंख्यक बनकर अकेला व्यक्ति और सामने 100 व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के बैठे हैं, तो आप उनसे बात करके देखिए, वो बड़ी एक प्रकार से आपके साथ हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, व्यवहार करते हैं, इसमें क्या आइए और बताइए अगर आपको कोई भी पीड़ा है। तो मैं अफगानिस्तान के नागरिकों को कहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ एक से दूसरे प्रदेश में जो लोग जाते हैं कार्य करने, उनको वहाँ बड़ा सम्मान मिलता है। हमारे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में देखता हूँ कई बार कुछ लोग कम्बल वगैरह भेजने आते हैं, उनको यहाँ के लोग बड़े हमदर्दी से देखते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ बकवास लोगों का आगमन ना हो, और यदि बकवास हमारे देश में तो यहाँ से चले जाएँ। हम कबूतर संस्कृति तरह हम चाहते हैं भारत शांति के रूप में जाना जाए, शांत देश के नागरिक और शांत नागरिक हमारी पहचान बने। वर्ल्ड कम्युनिटीज़ में कहता हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जहाँ भी जो लोग शांतिप्रिय स्वभाव के जो लोग हैं, वो भारत में एक नाम पर आए, जल्दी जल्दी आए, यहाँ की नागरिकता भी ले सकते हैं वो लोग, कि सर हम शांतिप्रिय हैं, और उसका वो अपना प्रमाण भी दें कि हम हिंसक गतिविधियों को पसंद नहीं करते। इस्लाम स्वयं एक शांति का संदेश देने वाला मजहब और या धर्म है। मोहम्मद साहब के अनुयायी कभी भी आतंकी नहीं हो सकते, और जो आतंकी हैं वो मोहम्मद साहब के अनुयायी नहीं हैं। वो अपनी नकली दाढ़ी लगा सकते हैं, नकली बातें कर सकते हैं, नकली मुसलमान बता सकते हैं, वो गंद और गद्दार से अधिक कुछ नहीं। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा, उनके विचार बहुत उत्तम हैं और उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए कोई बुरी बात नहीं है। वो शांति का संदेश देते हैं, खून खराबे का संदेश मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में कहीं नहीं है। और अगर इस तरह का कोई इंटरप्रिटेशन करता है तो वो कोरा मूर्ख, वो बौद्धिक स्तर पर जीरो है, शून्य है, मैं उसे बता देना चाहता हूँ। तो मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान की जो पढ़ा लिखा समाज, कमेरा समाज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, और चाहे ऑस्ट्रेलिया तक चले जाओ, कहीं भी हो, हम कहते हैं कि जो शांत स्वभाव के लोग हैं, भारत को एक शांति की स्थली बनाना है, और आप सभी का यहाँ निमंत्रण है। आइए भारतीय समाज को खुशहाल और वैश्विक समुदाय को शांति का एक मॉडल देने के लिए आप भारत की तरफ बढ़ें। भारत में प्रार्थना पत्र भेजें आप सरकारों के पास, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों के पास, कि मैं अमुक जगह आना चाहता हूँ, और सरकारें अपने स्तर पर जैसे जांच करती हैं कि एजेंसियाँ, कि वो व्यक्ति किसी इस तरह के जो बदमाश संगठन या गिरे हुए चरित्र वाले संगठन का सदस्य न हो, वो बताएं। बहुत प्रमाण है लोगों को बताने के लिए, मुझे आज भी पता है कि वो सिद्ध कर सकते हैं कि मैं बच्चों से इतना आ रहा हूँ, और जहाँ इस राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियाँ कहेंगी मैं वहीं रहूँगा और वही काम करूँगा, और जो भी जमानत या दूसरी चीज़ें जो देनी हैं वो सरकारों को सब तरीका आता है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े लीगल एडवाइज़र है सरकार के पास, वो स्वयं बता दें कैसे व्यक्ति की जांच की जा सकती है कि ये एक शांत नागरिक है या एक बदमाश शांति के भेष में देश में इंट्रोडर बनना चाहता है। परंतु शांतिप्रिय लोगों में कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई बात नहीं, आबादी और बढ़ जाएगी, भारत माता के पास बहुत हवा और पानी है, चिंता मत कीजिए, परंतु वो लोग
उनका बढ़ाव भी हमें पसंद है। तो अफ़गानिस्तान से भी मैं कहूँगा, जब अफ़गानिस्तान के लोगों को, जो वहाँ के मेरे भाई बैठे हैं, अफ़गानिस्तान के नागरिकों के साथ हमारी सहानुभूति है भारतीय लोगों की, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे मैं कहूँगा कि वो अगर कहीं भी सहयोग या पीड़ा महसूस करें, वहाँ की सरकार से पीड़ा, तो हमसे सहयोग मांगें। और पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और काम के लिए अगर वो नागरिक यहाँ आना चाहें, तो मैं वहाँ की सरकार से कहूँगा कि हमारे उन सभ्य नागरिकों को आने दें, हमारा देश एक शांति स्थल है। कहते हैं धरती का स्वर्ग हमारे कश्मीर को कहा जाता है, तो ये धरती का स्वर्ग इसी देश में रहता है, आने दीजिए। हम सभी सभ्यता और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और सभ्य और शांत लोगों का आदर करते हैं। वी वॉन्ट टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, वी वॉन्ट टू सेंड ए मैसेज ऑफ पीस टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, वी वॉन्ट टू सेंड ए मैसेज ऑफ हारमोनी, सद्भावना संदेश भी देना चाहते हैं कि कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं होता, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर कौन से लोग कहाँ रहते, इस तरह भावनाएं नहीं होनी चाहिए। पहले भी मुझे पता है, जब 47 में हमारे सुंदर देश के बीच में बेकार की दीवारें खड़ी कर दी गई जर्मनी की तरह, मुझे पता है उन लोगों की कट्टरता नहीं थी। जीना की बेटी यही नुस्लीवाड़िया परिवार की बहू थी, बॉम्बे में स्वयं नहीं गई यहाँ से, और ऐसा ही नेहरू की बेटी के साथ। वो लोग धर्म और जाति विश्वास नहीं करते थे दोनों। आज मैं ये एशियन कम्युनिटी को बता देना, वर्ल्ड कम्युनिटी को बता देना चाहता हूँ कि नेहरू और जीना दोनों जो है धर्म और जाति की आस्थाओं से ऊपर थे, उनमें कहीं संकीर्णता नहीं थी, सच्चाई है। दे वर बोथ वेल एजुकेटेड और इस तरह की भावनाओं से ऊपर थे, परंतु एक कूटनीतिक विफलता कहिए या कैसे उनकी एक दूसरे इंग्लिश सरकार ब्रिटिश का अपने चालबाजी किए, बिना काम है देश के बीच में दीवारें खड़ी कर दी, लाहौर दिल्ली को अलग कर दिया, कलकत्ता और कराची को, बॉम्बे और कराची को अलग कर दिया, कलकत्ता और ढाका को अलग कर दिया। इससे हमारी तरक्की में काफ़ी पूरे क्षेत्र की में, वो क्षेत्र तो पिछड़े हैं, हमारे देश का भी काफ़ी मारा अवरुद्ध हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ इससे विभाजन से। तो मैं पुनः विश्व के शांत समुदाय, पहले बोला है हमारे यहाँ को ज्ञानी कम आए, ज्ञानी ध्यान की जरूरत नहीं हमें, चाहे गरीब आए, हमें अमीर की भी जरूरत नहीं है, परंतु शांति वाले लोग पहुँचे। हम हमारे देश को शांति स्थल के रूप में देखना चाहते हैं, नागरिकों के हथियारों में, नागरिक हाथों में हथियार नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई डर नहीं है। और मैं सुरक्षा एजेंसियों से कहूँगा, भारत में जो मुट्ठी भर जो चूहा नुमा जो आतंकी बता रहे हैं, इनके सिर को गोलियों से छलनी कर दे, ये क्रूरता नहीं है, ये मानवता है। एक पशु ही जो आतंकी का कार्य करते हैं, उनको मैं मानव अधिकार आयोग से कहना चाहता हूँ, भैया इनको मानव की श्रेणी मत रखो यार, ये पशु हैं। जो कौन, किसने बता दिया आपको परिभाषा, जो व्यक्ति हिंसक होकर और मानव जो शांति प्रिय लोगों को प्रताड़ित करता है, उनको आतंकित करता है, कहाँ से लेकर आ गया, कौन सा आयोग है ये, कौन सा नागरिक है, कौन सा वकील, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कहता हूँ कि इस तरह के लोगों को वहाँ से भगाया जाए, जो उनको दानों को मानव बताने का प्रयास करें, भाड़े के टट्टू, किराए की जुबान, उन लोगों को, बिल्कुल उन बदतमीजों को वहाँ से भगाया जाए जो उनकी पैरवी करते हैं, कि इन दानों की रक्षा कैसे की जाए, इन दानों का शमन किया जाए। और मैं भारतीय समाज से कहता हूँ कि सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ाएं, सभी मिलकर बढ़ाएं, सभी जाति और धर्म के लोग, सभी भारतीय नागरिक, और जो दूसरे देशों से जो आ रहे हैं वो हमारी इस चीज़ के लिए तारीफ करें कि भारत में शांति प्रियता इस वजह से है कि वहाँ जो राक्षस जो पैदा होते हैं, उनका सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दमन कर दिया जाता है, उनका दमन किया जाए, बेधड़क किया जाए, किसी भी तरह की एजेंसी की परवाह नहीं की जाए। मैंने पहले कहा है, हथियार लेकर नागरिकों में भय पैदा करने वाले को कुचल दिया जाए, कोई सुरक्षा एजेंसी, कोई भी इंटरप्रेटर, भारतीय संविधान का व्याख्याकार अगर मेरे सामने आए तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ।
मैं कहता हूँ कि आप उनको मानव न कहें, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बार बार मानव अधिकार आयोग बड़ी अच्छी बात अपना कार्य करे नागरिक, परंतु उनको नागरिक और मानव वो श्रेणी में नहीं है, वो ह्यूमन रेस का हिस्सा नहीं है। उन लोगों को निश्चित रूप से ख़त्म करके, और हमारे में प्रातःकाल ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारत ने समय समय पर कहते हैं हर व्यक्ति हर देश के पास कोई अलग पहचान होती है, तो हमारी पहचान सबसे बड़ी शांति के लिए हम जाने जाएं, पीस मॉडल के लिए जाने जाएं, हमारा समाज भी शांत हो, परिवार भी शांत हो, देश की जनता भी आपसी शांति, और हम ज़्यादा पड़ोसियों से अलगाव नहीं रखना चाहते, वो अपना काम करें हम अपना करें, हम किसी के साथ बेकार की टकराव की मुद्रा के व्यक्ति नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों से हमारे ऋषियों के शुरू से संदेश रहे हैं, और ये बात मैं पुनः युवा पीढ़ी से साझा कर रहा हूँ कि भारत में शांति स्थापना समाज की शांति, समाज में भी आप कहीं भी चल रहे हैं तो आपका योगदान शांति की स्थापना होना चाहिए, आपसी अनावश्यक बहस और झगड़ालू स्वभाव में वो चीज़ नहीं बदलनी चाहिए। धन्यवाद।